मुकेश अंबानी और उनके परिवार को लेकर जब भी चर्चा होती है तो अक्सर हर बात उनके बच्चे और भाई अनिल अंबानी पे जाकर खत्म हो जाती है। जी हाँ, ऐसे में देश के सबसे रईस शख्स की बहनें आखिर क्या करती हैं? ये सवाल अक्सर हमारे मन में उठता है। मुकेश अंबानी की दो बहनें हैं, नीना कोठारी और दीप्ति सलगांवकर। दोनों ही बहनें मुकेश और अनिल अंबानी से छोटी हैं। नीना कोठारी अनिल अंबानी से छोटी हैं, जबकि दीप्ति सलगांवकर अंबानी भाई बहनों में सबसे छोटी हैं। इसके अलावा कोठारी ग्रुप की मुखिया है नीना। जी हाँ, कोठारी शुगर एंड केमिकल्स लिमिटेड की चेयरपर्सन के तौर पर नीना कोठारी कामकाज देखती हैं। साल 2015 में पति भद्रश्याम कोठारी के निधन के बाद नीना ने परिवार के कारोबार और साम्राज्य को संभाला है। इसके अलावा उनके बेटे अर्जुन कोठारी भी कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर कामकाज देखते हैं। यही नहीं, कोठारी ग्रुप का पेट्रो केमिकल के कारोबार में भी अच्छा खासा दखल रहा है। बीते साल ही नीना कोठारी की बेटी नयनतारा की प्री वेडिंग सेरेमनी को मुकेश अंबानी ने खुद अपने बंगले एंटेलिया में आयोजन किया था। इस पार्टी में फिल्मी दुनिया के भी तमाम दिग्गज सितारे नजर आए थे। वहीं आपको अगर हम बात करें मशहूर कारोबारी घराने की बहू रही दीप्ति सलगांवकर, मुकेश अंबानी की सबसे छोटी बहन दीप्ति फेमस कारोबारी सलगांवकर परिवार की बहू है। सलगांवकर समूह को गोवा के सबसे बड़े कारोबारी घरानों में शुमार किया जाता है। सलगांवकर ग्रुप के संस्थापक वासुदेव सलगांवकर के बेटे दंतराज सलगांवकर दीप्ति के पति हैं। कहा जाता है कि 1978 के दौर में जब अंबानी परिवार मुंबई की आशा किरण बिल्डिंग में रहता था, उसी दौर इमारत की 14वीं मंजिल पर सलगांवकर परिवार रहता था। यह और यही वो वक्त था जब दोनों परिवार काफी नजदीक आए, और इसी दौरान दीप्ति और सलगांवकर फैमिली के बेटे दंत राज एक दूसरे को पसंद करने लगे। कुछ सालों के रिलेशनशिप के बाद दोनों ने साल 1983 में शादी कर ली। फिलहाल सलगांवकर फैमिली गोवा में रहती है और दीप्ति फिलहाल कारोबार से दूर है। फिल्मी अड्डा से प्रियंका की रिपोर्ट।